गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। आज फिर आपके साथ हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। और टॉपिक ये है कि जी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि डॉग्स में स्किन एलर्जी ड्यूरिंग समर सीजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कह दूं, बता दूं कि मतलब ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ताकि लोगों तक पहुंच जाए। तो जी बताते हैं जी, पहले तो हम डिस्कस करते हैं जो स्किन एलर्जीज है उसके ऊपर। तो टू टाइप्स की एलर्जी हो सकती है, जो कि एक तो फूड एलर्जी हो सकती है या उसकी सीजनल एलर्जी हो सकती है, जो सीजन के अंदर आती है डॉग्स के अंदर। तो अब उसके अंदर क्या होता है जी, आपके अंदर जो भी फूड वगैरह देते हैं या उसको उस फूड की वजह से एलर्जी होती है, जिसके अंदर आपके कह सकते हैं जी आप समर सीजन में डॉग की हाइड्रेशन लेवल बहुत कम है, पानी कम पी रहे हैं और हम जो उसको फूड दे रहे हैं वो बहुत ड्राई है, तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। सेकेंड, बहुत ज्यादा जैसे हमारी ब्रीड्स होती हैं, जर्मन शेपर्ड है, हस्की है, रॉटवाइलर है, डॉबरमैन है और लेब्राडोर है, इन डॉग्स को मिल्क से एलर्जी होती है, जिसमें वीट है आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से इनको हो जाती है। और फिर आप बहुत ज्यादा उनको बीफ दे रहे हैं, बीफ एलर्जी हो सकती है। और सीजनल एलर्जी में ये होता है कि जी आपका सीजन अपना जैसे समर है, तो बहुत सारे लोग अपने डॉग्स को बहुत ज्यादा नहलाते हैं, जिस नहलाने की वजह से वो शैम्पू का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल्स की वजह से जो डॉग्स की स्किन के अंदर ऑलरेडी एक ऑयल होता है वो रिमूव हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, वो ड्राइनेस की वजह से एलर्जी हो जाती है। फिर उसके बाद उसके अंदर आप बहुत ज्यादा स्किन उसकी मॉइस्ट होती है, बहुत सारे लोग गीली जगह पे डॉग्स को रखना पसंद करते हैं गर्मियों में, मॉइस्ट होने की वजह से भी स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है। थर्ड, जो सबसे मोस्ट कॉमन 95% डॉग्स के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जी आपकी फ्लीज की वजह से, आपके टिक्स की वजह से, माइट्स की वजह से स्किन एलर्जी, कहाँ पे माइट्स काटते हैं उसकी वजह से जख्म हो जाता है, फिर ड्राई हो जाता है, उसके अंदर इचिंग होती है, डॉग्स को बाइट करता है, बाइट करने पर वो स्पॉट्स बन जाते हैं, वो स्पॉट्स की वजह से हॉट स्पॉट बन जाता है, उसकी वजह से डॉग को एलर्जी होती है और डॉग के बाल झड़ने लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद मॉस्किटोज, बहुत जगह किसी मॉस्किटो ने वहां बाइट किया, उसकी वजह से वहां इच हुए, डॉक्टर्स को बाइट किया और प्रॉब्लम हो गई। फिर हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत सारे टिक रिमूवल, फ्लीज रिमूवल पाउडर्स आते हैं जो कि बहुत चीप रेट्स में मिल जाते हैं, और हम लोग लाते हैं, पानी में डालते हैं, उसको डॉग को उससे बात दे देते हैं, फ्लीज तो बहुत जल्दी से निकल जाती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अपने डॉक्टर या वेट की मशवरे के मुताबिक मलम बगैर इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल ना करें। उससे होता है कि आपको नहीं पता कि कौन सी डॉग की स्किन के साथ इंटरेक्ट करे, उसको रिएक्शन करे, उसको एलर्जी कॉज कर दे। तो ये तो थी रीजंस। अब साइनस सिम्टम्स क्या होते हैं जी, आपके डॉग के अंदर हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन का रेडनेस होना स्टार्ट होता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, ईयर के राउंडिंग में वो जख्म होना स्टार्ट होते हैं, स्किन में जख्म होना स्टार्ट होते हैं, हॉट स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इचिंग और जख्म है वहां से स्मेल आने लग जाती है। तो आपको बहुत क्लोजली अपने डॉग्स को मॉनिटर करना है कि आया ये फूड एलर्जी हो रही है, सीजनल एलर्जी हो रही है या मतलब है। तो इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट ये है कि जी आप अपने डॉग को, सबसे पहले आपको बताता हूं कि डॉग के लिए एक बायोडीन सर्जिकल वो आता है, स्क्रब आता है, वो हम सर्जरी से पहले पेशेंट्स वगैरह को देते हैं नहाने के लिए, तो बायोडीन सर्जिकल स्क्रब ले लें, एक बाल्टी में 3-4 उसके ड्रॉप वो डाल के ढक्कन और उससे उसको डॉग को नहला लें, लेकिन डॉग को उसका साबुन न लगाएं, उसके बाद वो अच्छी तरह उसके स्किन में कोट में डिजोल्व हो जाए तो उसको उसे नहला के ड्राई कर लें, क्योंकि इसके अंदर वो एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक सब कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उसकी स्किन को सेट रखिए। कोकोनट ऑयल ले लें प्योर वाला, और डॉग की स्किन के ऊपर अच्छी तरह से तकरीबन 20-25 मिनट तक उसको रब करें स्किन के अंदर, उसके बाद डॉग को छोड़ दें, उससे भी आपके स्किन एलर्जीज का मसला हल होगा। फिर उसके बाद आपके एप्पल सिल्डर होता है, विनेगर होता है, वो पानी में डालें और उससे भी डॉग को नहला सकते हैं,
क्योंकि एप्पल सिरे जो सिडर या विनेगर होता है वो भी एसिडिक होता है, तो उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से स्किन सही हो जाती है, स्किन से इन्फेक्शन वगैरह निकलता है, फंगल वगैरह निकलता है। उसके बाद सबके पास कवार के अंदर होती है जिसको आप एलोवेरा भी कहते हैं। एलोवेरा ले लें, उसके अंदर जेल निकाल के उसको झाग बनाएं और पूरे डॉग की स्किन पे लगा दें, उसको अच्छी तरह से रब करते रहें आधे घंटे पौने घंटे तक, उसको अच्छे से रब करके डॉग को छोड़ दें। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आपको नीम गर्म पानी से नहला दें, गर्म पानी से नीम गर्म पानी से नहलाना है, क्योंकि तो गर्म पानी से भी जो एलर्जीज है वो अपना बढ़ जाती है। उसके बाद आपके पास बेकिंग सोडा आता है, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा के 2 से 3 टेबलस्पून लेके एक टब पानी में डाल के उसके अंदर या तो अपने डॉग को बिठा दें या उसको डॉग को से नहला दें, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि डॉग को जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है जी, उसको इचिंग बहुत होती है, तो इचिंग के लिए क्या आपने उसको ड्रग देनी है, जिसमें सिट्रिजिन सिरप आ जाता है, उसके अंदर आपके जायरेटिक सिरप आता है, उसके अंदर बहुत सारे और भी आते हैं। तो मेरा मशवरा यही कि आप अपने डॉग को जो है सिट्रिजिन सिरप दे दें और जेनेटिक सिरप दे सकते हैं, तो 2.5 ml डोज दे सकते हैं। अगर 10 kg का आपका डोज है डॉग है तो 2.5 ml दिन में एक दफा दे दें, और या तो उसे दे दें। उसके बाद डॉग की डाइट का ख्याल रखें, डॉग को बाहर ले जाते वक्त ख्याल करेंगे मिट्टी के अंदर ज्यादा जा रहा है या ग्रास वाले एरिया में जा रहा है, तो जहां से उसको टिक्स वगैरह लग जाती है, टिक्स का ख्याल रखें। डॉग की क्लीनलीनेस का बहुत ख्याल है, सफाई का बहुत ख्याल रखना है। तो उम्मीद है कि हमारी इन बातों से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कोई फायदा हुआ होगा। और अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन से फायदा हुआ है या आपको लगता है कि यूजफुल है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को भी इससे फायदा हो। और जो खास चीज है, अपने आप को और अपने डॉग को सेफ रखें, बाहर ले जाते वक्त देखें, क्योंकि आजकल पार्वो बहुत चल रहा है, पार्वो को देखें, पार्वो के लिए भी हमने एक वीडियो बनाई, वो भी देख लीजिए। और बस आजकल इतने काफी। अगर आपका फिर भी कुछ सवाल है इस रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या हमारा नंबर भी यहाँ मौजूद है उस पर कर दें। और लास्ट जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी केमिकल मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, कोई भी केमिकल अपने डॉग को लगाने से पहले अपने वेट से कंसल्ट जरूर करें। और हम डिस्करेज करते हैं कि आप अपने केमिकल्स अपने डॉग को इंट्रोड्यूस करें या मेडिसिन वगैरह ज्यादा दें, क्योंकि इससे डॉग की हेल्थ को और प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देसी नुस्खे इस्तेमाल करें, होम रेमेडी इस्तेमाल करें, अगर इससे फर्क न पड़े तो फिर आप वेट से कंसर्न करें और अपने डॉग को मेडिसिन से जरूर पाएं। तो आज के लिए इतने काफी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने जो पेट का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।